गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति शर्मा फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू, योर असिस्टेंट टीचर। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, हु विल प्रोवाइड द लेबर। कि इसमें हमने पालमपुर विलेज के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा कि कैसे ये लैंड जो है वहाँ के लोगों के लिए फिक्स्ड है, किस तरीके से सेम लैंड के ऊपर कल्टीवेशन किया जाता है, मल्टी क्रॉपिंग किया जाता है, इसके बारे में पढ़ा है। विल द लैंड सस्टेन, यानी कि ज़मीन जो है क्या उसे भी सफ़र करना पड़ता है। हमेशा ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे और वो इजीली उस चीज़ को सर्वाइव करती रहेगी, है ना। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो था लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में किस तरीके से लैंड का डिवीज़न किया गया है, जो रिच पीपल है उनके पास ज़मीन ज़्यादा है, जो गरीब है उन लोगों के पास ज़मीन नहीं है काम करने के लिए, वो दूसरों की ज़मीन पर काम करने के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से लैंड का डिवीज़न जो है वो किया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हु विल प्रोवाइड द लेबर, कि लेबर जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा। फिफ्थ पॉइंट है हु विल प्रोवाइड द लेबर, कि लेबर जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, कि लैंड जो है वो हमारा प्राइमरी फैक्टर है, प्राइमरी नेसेसरी है एग्रीकल्चर के लिए, और उस एग्रीकल्चर के ऊपर जो लेबर है वो लैंड के बाद में सेकेंड नंबर पर आता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, फॉर प्रोडक्शन, फैक्टर्स हैं ये प्रोडक्शंस के। फार्मिंग रिक्वायर ए ग्रेट डील और हार्ड वर्क, फार्मिंग जो है उसमें बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। सो स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ उनके पास जितना भी लैंड उनके पास अवेलेबल है उसके ऊपर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर और उस पर काम करते हैं। ठीक है, एंड दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर फॉर फार्मिंग देमसेल्फ, और उसमें अगर लेबर की ज़रूरत होती है तो उसमें वो खुद ही काम करते हैं, किसी लेबर को नहीं यूज़ करते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्मर्स फार्म लेबर्स, जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, लेबर्स को हायर करते हैं अपने फील्ड पे काम करने के लिए। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली, जो लेबर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, उन फैमिलीज से आएंगे जिनके पास ज़मीन नहीं है, और या फिर फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, और या फिर जिसके पास ज़मीन का बहुत कम हिस्सा है जिसमें एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है, उन लोगों की फैमिली से ही लेबर्स जो हैं वो काम करने के लिए आते हैं। अनलाइक फार्मर्स फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव ए राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड, लेबर्स का उस क्रॉप के ऊपर कोई अधिकार नहीं है जिसके ऊपर वो काम करने के लिए जाएगा, उस क्रॉप्स के ऊपर उसका कोई भी अधिकार नहीं होता है। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाई द फार्मर फॉर होम दे वर्क, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं वो फार्मर्स क्या करेंगे, उनको पेमेंट देते हैं, उनको वेजेस देते हैं, उनकी डेली वेजेस जो होती है, तनख्वाह जो होती है उनको दी जाती है। ठीक है, वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड ऑफ क्रॉप, यानी कि या तो वो कैश के रूप में होगा, मनी के रूप में, और या फिर उसके बदले उनको कुछ अनाज दे दिया जाएगा। Sometimes laborers get meal also, कई बार उन्हें खाना भी दिया जाता है। Wages vary widely from region to region, from crop to crop, from one farm activity to another, like sowing and harvesting. Wages जो होती है वो fix नहीं होती है कि नहीं हमें 400 रुपये लेबर्स का fix किया हुआ है तो उतना ही मिलेगा, नहीं, crop to crop अलग होगा। किसी फसल को काटने में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, किसी को बहुत कम मेहनत की ज़रूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा। रीजन टू रीजन, किसी गांव से एक गांव से दूसरे गांव में हम देखेंगे तो वहां पर भी डिफरेंट मिलेगा वेजेस। ठीक है, तो ये वेरिएशन दिखाई देता है। एंड देयर इज ऑल्सो ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और वेरिएशन कब होगा, जब काम की जरूरत होगी, जब लेबर्स की जरूरत होती है उस टाइम अलग अलग लेबर्स के अलग अलग वेजेस भी दिए जाते हैं। ए फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस, यानी कि फार्म लेबर्स जो होते हैं उनको डेली बेसिस के ऊपर काम में रखा जाता है, और फॉर ऑन वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर, या फिर उसको पूरे साल के लिए रखा जाता है लेबर्स को, और या फिर कुछ समय के लिए, यानी कि या तो कटाई के समय पर ही उसको रखा जाएगा। ठीक है, दाला इज ए लैंडलेस फार्म लेबरर, दाला कौन है, एक फार्मलेस लैंडलेस फार्म लेबरर है।
खेत में काम करने वाला मजदूर है जिसके पास खुद की कोई जमीन नहीं है, ये ऊपर एक स्टोरी दी गई है। एंड दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, यानी कि वो हमेशा क्या करता है, काम की खोज में ही रहता है। द मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300। मिनिमम वेजेस जो है, कम से कम जो वेजेस है वो कितनी सेट की गई है लेबरर्स के लिए, 300 सेट की गई है। एंड पर डे, एक दिन का, मार्च 2017, बट दाला गेट्स ओनली 160। लेकिन दाला को कितने मिलते हैं, ओनली ₹160 ही मिलते हैं। देयर इज हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमॉन्ग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। पालमपुर के अंदर जो लेबर्स हैं उन सबके बीच में आपस में क्या है, एक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, तो लोग क्या है, कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हैं कि कहीं कुछ काम तो मिले। दाला कंप्लेन अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली, दाला जो थे वो अपने सिचुएशन के बारे में रामकली को बता रहे थे, हु इज अनदर फार्म लेबरर, जो कि दूसरी फार्म लेबरर थी। जो पेज नंबर 8 के ऊपर दिया हुआ है इसको देखो एक बार, कि इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दिस डेज। दाला क्या कहता है रामकली को कि इन दिनों काम जो है वो खोजना बहुत मुश्किल है, कुछ काम ढूंढते हैं तो मिलता ही नहीं है, इसीलिए वो कम पैसों में भी काम करने को तैयार रहता है। ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस, सिर्फ जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो ही उन्हें काम पर रखते हैं। एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, और वो भी कुछ समय के लिए, पूरे साल के लिए नहीं, सिर्फ जब क्रॉप्स को कट किया जाता है हार्वेस्टिंग के टाइम पर ही उनको काम में रखा जाता है। वी हैव ट्रैक्टर फॉर प्लाविंग, हार्वेस्टर फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर्स फॉर थ्रेशिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स। सम फार्मर्स स्प्रे वीडिसाइड, यानी कि कई किसान तो क्या है, कई फार्मर लेबर्स हैं, मजदूर जो हैं उन वो क्या है, उनके लिए कोई भी काम नहीं है क्योंकि सारे काम आजकल मशीनों से होने लग गए। हार्वेस्टिंग का काम हो रहा है हार्वेस्टर से, ट्रैक्टर से प्लाविंग का काम हो रहा है, थ्रेशर से थ्रेशिंग का काम किया जा रहा है। तो जब सारे काम मशीन से होती है तो लेबर्स की जरूरत नहीं होती है। तो कुछ फार्म जो लेबर्स जो हैं वो ऐसे भी हैं जिनके पास बिल्कुल भी काम नहीं है। तो रामकली क्या कहती है कि घनश्याम द लार्ज फार्मर्स हैज जस्ट बॉट ए हार्वेस्टर। घनश्याम जो कि एक बड़ा लार्ज फार्मर है वो अभी हार्वेस्टर लेकर आया है। सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर, इसीलिए इस साल हमें और सालों से बहुत कम काम करने को मिलेगा। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 मंथ, पिछले साल तो सिर्फ मुझे 5 महीनों के लिए ही काम पे रखा गया था पूरे साल में। सो आई ओ द लोकल मनी लेंडर ₹2000, मैंने तो किसी, जो पैसे लेते हैं ना किसी से उधार लेते हैं तो उनसे ₹2000 उधार भी ले रखे हैं। एंड आई हैड टेकन ₹1000, किसी से ₹1000 ले रखे हैं। एंड लास्ट समर वेन नो वर्क वॉज अवेलेबल इन द फील्ड, जब किसी भी फील्ड में कोई काम नहीं था तब मैंने ₹1000 लिए थे और उससे पहले ₹2000 मैंने किसी से ले रखे हैं। वेन नो वर्क वॉज अवेलेबल इन द फील्ड, हाउ विल आई एवर रिपे, इन पैसों को मैं कैसे चुकाऊंगा। आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 square meals, मेरे पास तो 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है। दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज, इस साल मुझे क्या करना होगा कि इन फील्ड में काम करने की बजाय मैंने रायगंज में एक ईंट बनाने की जो फैक्ट्री है वहां पर मैंने अपने लिए काम देखा है। माई सिचुएशन इज नॉट मच बेटर, मेरी भी जो हालत है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। ड्यू टू पास डेप्ट द मनी लेंडर रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। रामकली क्या कहती है कि मेरे को भी जो पैसे जो उधार देते हैं उन लोगों ने भी पैसे उधार देने से मना कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन होती है फार्म लेबर्स की, जिस टाइम पर जो काम मशीन करने लगी है तो उसकी जगह पर लेबर्स क्या हो गए, फ्री हो गए, उनके पास किसी तरह का कोई काम नहीं रहता है, तो मजदूर जो होते हैं उनके लिए काम बिल्कुल भी नहीं बचा। सो गोसाईपुर एंड मजोली आर 2 villages इन नॉर्थ बिहार। गोसाई और मजोली जो थे ये 2 villages थे नॉर्थ बिहार में। आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 850 हाउस होल्ड इन द 2 villages, इन 2 गाँव में टोटल कितने घर थे, 850। देयर आर मोर देन 250 मैन हु आर एम्प्लॉयड इन रूरल पंजाब एंड हरियाणा एंड और इन दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर। उनमें से 250 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि काम करते हैं कहाँ, पंजाब, हरियाणा, अलग अलग स्टेट्स में काम करने के लिए जाते हैं।
सच माइग्रेशन इज कॉमन इन मोस्ट विलेजेस अक्रॉस इंडिया. ऐसा माइग्रेशन कि काम के लिए अपने गांव को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि गांव के अंदर तो कोई काम होता नहीं है, तो वो बाहर मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं. तो ये जो माइग्रेशन है ये कॉमनली देखा जाता है इंडिया के विलेजेस में. वाई डू पीपल माइग्रेट, लोग क्यों जाते हैं, माइग्रेट क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन, वर्क, बिजनेस, कोई भी रीजन्स हो सकता है. कैन यू डिस्क्राइब बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन द वर्क दैट द माइग्रेंट ऑफ गोसाईपुर एंड मजौली माइट टू डू एट अ प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, कि लोग जो हैं वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर माइग्रेट क्यों करते हैं. ठीक है, सो माइग्रेशन का आपको समझ में आ गया कि क्यों माइग्रेट करते हैं, कि ऑक्यूपेशन के लिए, कोई बिजनेस के लिए, कोई एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के लिए, कोई अच्छी जॉब के लिए माइग्रेशन जो है वो किया जाता है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, कि फार्मिंग में कैपिटल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. कैपिटल मीन्स मनी, कि पैसे के बिना जो है वो कोई भी काम नहीं किया जा सकता. यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, कि जैसा जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है. ऑर्गेनिक फार्मिंग तो फिर भी जो है उनसे काम चलाया जा सकता है, लेकिन जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसके लिए हमें कैपिटल जो है वो सबसे मस्ट रिक्वायरमेंट कहलाती है. सो दैट द फार्मर नाउ नीड मोर मनी देन बिफोर, पहले से भी ज़्यादा उन्हें अब पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें जितनी भी चीज़ें जो यूज़ की जाएगी वो सब क्या करनी होगी, परचेज करनी होगी. मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, कैपिटल के लिए क्या करना होता है, ज़्यादातर फार्मर्स को अरेंज करना होगा. जो स्मॉल फार्मर्स है, छोटे किसान है, वो तो क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, एक दूसरे से मांगेंगे, किसी से उधार लेंगे. दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लेंडर, या तो फार्मर से जो बड़े किसान हैं उनसे, या फिर कोई जो पैसे देता है उनसे पैसे लेकर आते हैं. एंड और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन, या फिर कोई जो व्यापारी होता है उनसे पैसे उधार लेंगे. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई, उनका जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन, यानी कि उसको पे करने के लिए उनको उनसे दुगना, तीन गुना या चार गुना पैसे उनको रिटर्न करने होते हैं. ठीक है, सो सविता इज ए स्मॉल फार्मर, इस यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसको देखकर, जिसको हम समझेंगे और जिससे हमें क्या पता चलेगा कि जो फार्मिंग में कैपिटल जो है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में हम देखेंगे. सविता इज ए स्मॉल फार्मर, शी प्लान्स टू कल्टीवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टर ऑफ लैंड. सविता क्या है, एक स्मॉल फार्मर है, उसने क्या प्लान किया है, वीट कल्टीवेट करने का प्लान किया है, और कितनी उसके पास जमीन कितनी है, 1 हेक्टर. बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, शी नीड्स कैश टू बाई वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स. इसके अलावा, यानी कि जो बीज तो वो लेकर आएगी, उसके अलावा फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स जो यूज किए जाएंगे, सो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन सब की जरूरत है. एंड शी नीड्स कैश टू बाई वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट, और उसको किस चीज़ की जरूरत है, पानी की जरूरत है, ताकि उसके जो फार्म में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उन सबको रिपेयर करवाने की जरूरत है. शी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इट्सेल्फ वुड कॉस्ट ए मिनिमम ऑफ रुपीज 3000, यानी कि उसने अपने अनुसार ही, अपने अकॉर्डिंग ही उसने एस्टिमेट बनाया कि उसका जो पूरा टोटल जो उसका अमाउंट, उसका उस रिपेयरिंग में जो खर्च होगा वो कितना होगा, 3000. शी डज नॉट हैव द मनी, उसके पास पैसे नहीं है. एंड सो शी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, और फिर उसने क्या डिसाइड किया कि वो तेजपाल सिंह से पैसे लेकर आएगी, जो कि कौन था, एक लार्ज फार्मर था. तेजपाल सिंह एग्री टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ, यानी कि जो उसको पैसे दिए जाएंगे उसका 24% 4 मंथ के लिए इंटरेस्ट के ऊपर उसको पैसे दिए, विच इज़ ए वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई था. सविता ऑल्सो हैज़ टू प्रोमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज ए फार्मर, उसके साथ साथ इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, साथ ही साथ उसे क्या करना होगा, उसके फार्मर जो लार्ज फार्मर है उसके लार्ज जो फार्मर है उसके फील्ड पर काम करने के लिए, फील्ड में काम करने के लिए एज ए लेबर उसने एग्री किया कि हाँ चलो मैं इसके फील्ड पर काम करने को भी तैयार हूँ.
ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, हार्वेस्ट सीजन पर एट रुपीज 100 पर डे, जिसके बदले उसे 100 रुपए मिलेंगे वो उसी को देने होंगे। एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो, जो कि बहुत कम है। जो इससे पहले हमने स्टोरी पढ़ी थी जिसमें उसको 160 मिल रहा था, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 300 रुपीज फिक्स की गई थी, और दाला के अकॉर्डिंग अगर हम सविता की जो वेजेस हैं उसको देखते हैं तो वो क्या है, और भी कम है, जो रुपीज 100 है। एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो, सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कम्प्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड, यानी कि अपने फील्ड पर काम करने के लिए उसे क्या करना होगा, बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि वो उस लोन को चुका सके और उसके यहाँ मजदूरी कर कुछ लोन जो है उसको उतार सके। एंड देन वर्क एज ए फार्म लेबरर फॉर तेजपाल सिंह, द हार्वेस्ट टाइम इज ए वेरी बिजी टाइम, हार्वेस्ट टाइम जो होता है वो बहुत बिजी टाइम होता है, एंड एज ए मदर ऑफ 3 चिल्ड्रेन शी हैज ए लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि उनके 3 बच्चे थे तो इस वजह से उनके घर की भी पूरी जिम्मेदारी थी। सविता एग्री टू दिस टफ कंडीशन एज शी नोज गेटिंग ए लोन इज डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल फार्मर, ये जैसा कि वो जानती थी कि ये लोन जो था वो उसके लिए बहुत मुश्किल था उतारना, लेकिन फिर भी उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली। इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जब हम मीडियम और लार्ज फार्मर्स को कंपेयर करते हैं तो उनके पास कुछ सेविंग्स होती है, क्योंकि उनके पास लैंड जो होती है वो ज़्यादा होती है, लैंड जो है वो ज़्यादा होने के कारण उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिसके लिए वो पैसे भी सेव कर देते हैं। एंड द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। हाउ डू दिस फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग, यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन, यानी कि नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसे उनकी सेविंग्स जो है वो उनके पास रहती है। वी हैव रीड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 3 फैक्टर्स हमने देखा, कौन कौन से, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। लैंड कितनी रिक्वायरमेंट है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, लेबर जो होते हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है, कब उनके पास काम होता है, कैपिटल जो है उसकी रिक्वायरमेंट भी कितनी ज़्यादा है एग्रीकल्चर में, प्रोडक्शन में, ठीक है। So, how they are used in farming, let's fill in the blanks. Among the 3 factors of production, we would found that labor is the most abundant factor of production. हम क्या देखते हैं कि labor जो है वो सबसे important factor होता है agriculture के अंदर। There are many people who are willing to work as a farm laborer in the village. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो farm laborers में काम करना चाहते हैं। Whereas the opportunities of work are limited. लेकिन काम जो है वो बहुत कम है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत कम है। ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है इसको आप खुद फिल करोगे पढ़ के, ठीक है। अब आप आ जाओ पेज नंबर 10 पर, नेक्स्ट पेज के ऊपर, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, ये आप खुद फिल करना, जो नहीं समझ में आए फिर आपको मैं बताऊंगी। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। Let us suppose that the farmers have produced wheat on their land. यानी कि जैसा कि सपोज फार्मर्स जो हैं उन्हें क्या प्रोडक्ट्स लैंड के ऊपर क्या प्रोडक्शन करना है, वीट का प्रोडक्शन करना है। यूजिंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 3 फैक्टर यूज करके, कौन कौन से, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। द वीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कम्प्लीट, वीट जो है उसको हार्वेस्ट कर लिया गया, प्रोडक्शन को कम्प्लीट कर लिया गया। Why do the farmers, what do the farmers do with the wheat? अब farmers जो है वो क्या करेंगे wheat के साथ, they retain a part of wheat for the family consumption, family consumption के लिए, यानी कि उनको कि जितनी ज़्यादा ज़रूरत है पूरे साल के लिए उतना consumption वो अपने पास store करेंगे, and sell the surplus wheat, और जो extra है उसको sell कर देंगे। Small farmers like Savita and Govindson have little surplus wheat because their total production is small and from this a substantial share is kept for their own family need. यानी कि सविता की स्टोरी जो अभी अपन ने पढ़ी है पीछे, उसमें क्या दिया गया था कि उसके पास जमीन भी नहीं थी, उसमें काम करने के लिए उसे पैसे भी उधार लेने पड़े, जिसके बदले वो खुद मजदूर के रूप में काम कर रही थी, तो कोई सेविंग्स नहीं थी। लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कंजप्शंस के लिए रखने के बाद बाकी चीज़ों को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, वो उनकी सेविंग्स होती है जो उनके नेक्स्ट ईयर जो प्रोडक्शन में काम आती है।
ठीक है। अब आया समझ में आप लोगों को कि कैसे जो है वो सेविंग्स जो है वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास होती है और स्मॉल फार्मर्स के पास नहीं होती है। सो इट इज द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वही क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं वीट को मार्केट में। यू कैन सी द बुलक कार्ट स्ट्रीमिंग इन टू द मार्केट ईच कैरिंग लोड ऑफ वीट। पिक्चर 1.1, 1.1 पिक्चर कहाँ पर है? पेज नंबर 1 पर है कि देखो यहाँ पर जो बुलक कार्ट दी गई है उसमें वीट जो है वो कैरी करके और मार्केट तक ले जाया जा रहा है। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट। ट्रेडर्स क्या करेंगे, मार्केट में उस वीट को खरीद लेंगे एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर, और फिर उनसे लेकर आगे शॉपकीपर्स को सेल कर दिया जाएगा। कहाँ पर, टाउन्स और सिटीज में। तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर, तेजपाल सिंह जो कि लार्ज फार्मर थे, हैज अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड। पूरे उसके जमीन पर उसे कितने वीट मिलते हैं, 350 क्विंटल। ही सेल द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज गुड अर्निंग। रायगंज मार्केट में सेल कर देते हैं, जितना कंजप्शन करना है उतना कंजप्ट किया और बाकी सब क्या कर दिया, मार्केट में सेल कर दिया। वॉट डज तेजपाल सिंह डू विथ हिज अर्निंग। वो अपने अर्निंग के साथ क्या कर रहा है, यानी कि जो पैसे उसको मिल रहे हैं उसके साथ वो क्या करेगा। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। ज़्यादातर लास्ट ईयर उसने क्या किया, पैसे सब अकाउंट में डाल दिए। लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लैंडिंग टू फार्मर्स। कुछ पैसे उसने रखे, जैसे कि सविता जैसे जो मनी लेंडर्स होते हैं पैसे उधार मांगने के लिए आते हैं उनको देने के लिए। हु वर इन नीड ऑफ ए लोन, जिनको लोन की ज़रूरत होती है। ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सेशन सीजन। नेक्स्ट सीजन में जो अर्निंग के लिए यानी कि जो फार्मिंग के लिए जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए उसने अपने मनीज को सेव करके रखा। एंड सम फार्मर माइट ऑल्सो यूज द सेविंग टू बाई कैटल। कुछ फार्मर्स यूज करते हैं कैटल को खरीदने के लिए, ट्रक खरीदने के लिए और सेटअप शॉप या फिर शॉप वगैरह सेट करने के लिए। एज वी शैल सी दिस कंस्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज। यानी कि ये जो कैपिटल है ये किसके पास है, जिनके पास कोई फार्म एक्टिविटीज नहीं है। वो फार्म एक्टिविटीज किससे करवाते हैं, लेबर से करवाते हैं। तो इस तरीके से जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास सेविंग्स होती है और उसका वो यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये सारे क्या हैं, फार्म एक्टिविटीज़ जिसमें लेबर है और जिसमें अलग अलग जो लेबर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, कैसे वो मनी लेंडर से पैसे लेकर आते हैं, ये सारी चीज़ें फार्म एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड होती है। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन सी है, फार्म एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सो वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। जैसा कि एग्रीकल्चर फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है पालमपुर में, वी शैल नाउ टेक अ लुक सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी। नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन कौन सी है। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अलावा 25% पीपल ही क्या करते हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारी जो नॉन फार्म एक्टिविटीज है उसमें कितने लोग इंक्लूड है, नॉन फार्म एक्टिविटीज में 25% ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द जवार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। डेयरी जो है वो एक नॉन फार्म एक्टिविटी है, उसमें जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, विलेजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, कैटल्स वगैरह रखते हैं और उनको अपने अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं, जिनसे उनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल किया जा सके। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, और उस मिल्क को कहाँ सोल्ड किया जाता है, रायगंज में एंड द नियर बाई लार्ज विलेज और आसपास के गाँव में। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। यानी कि कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, शाहपुर में या फिर रायगंज में वो क्या करते हैं, वहाँ से सप्लाई करते हैं कहाँ पर, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े टाउन्स में। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर इन पालमपुर।
एक तो हो गया नॉन फार्म एक्टिविटीज में, फर्स्ट है हमारा डेयरी और सेकंड है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, कि 50% से भी कम लोग जो हैं वो किसमें एंगेज्ड हैं, पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग में। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग टेक दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो किया जाता है वो लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से, एंड आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल पर ही। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, फैमिली मेम्बर्स मिलकर ही क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। रेयरली आर लेबर्ड हायर्ड, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जहां पर लेबर्स को हायर किया जाता है। मिश्रीलाल हैज परचेज्ड ए मैकेनिकल शुगर कैन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज सेट अप ऑन हिज फील्ड। मिश्रीलाल जिन्होंने क्या किया, शुगर कैन क्रशिंग मशीन, शुगर कैन को इलेक्ट्रिसिटी से क्रश करने की मशीन जो है उसको यूज़ की अपने फील्ड में। शुगर कैन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक, पहले किससे किया जाता था इसको क्रश किया जाता था, तो बुलक से। बट पीपल प्रिफर टू डू इट बाय मशीन दिस डेज, लेकिन अब क्या करने लगे, वो मशीन से काम करने लगे। मिश्री लाल ऑल्सो बाय शुगर कैन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इन टू जैगरी, दूसरे जो फार्मर्स हैं उनसे भी वो शुगर कैन लेकर आता है और फिर उसको क्या बनाता है, उससे जैगरी बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है। द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर, फिर वो जैगरी जो है उसको कहाँ सोल्ड कर दिया जाता है, कहाँ बेचा जाता है, उसे शाहपुर में। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक ए स्मॉल प्रॉफिट, इससे उसको कुछ प्रॉफिट होता है, तो इसमें उसको किसी लेबर की जरूरत नहीं है, अपने ही बेस पर काम कर रहा है। इस तरीके के जो काम होते हैं ये क्या कहलाते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा द शॉपकीपर। एक तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर होंगे, थर्ड हो गया हमारा शॉपकीपर जो कि नॉन फार्म एक्टिविटीज में आते हैं। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मेनी इन पालमपुर, कि ज्यादातर लोग क्या है पालमपुर के अंदर ट्रेड में इन्वॉल्व है, व्यापार के अंदर। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है उसमें वो काम ज्यादा नहीं किया जाता। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर हु बाई वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल दम इन द विलेज। ज़्यादातर क्या होता है कि जो होलसेल मार्केट है वहाँ से चीज़ें परचेज की जाती है ट्रेडर्स से और फिर उसे शॉपकीपर्स तक पहुँचाया जाता है विलेजेज और सिटीज में। यू विल सी मेनी जनरल स्टोर इन द विलेज सेलिंग ए वाइड रेंज ऑफ आइटम, यानी कि ज़्यादातर विलेजेस में एक ही स्टोर होते हैं जिसमें हर तरह की चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होती है। जैसे कि राइस, स्वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ, कुछ कपड़े भी रखे जाते हैं। ए फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज ए पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप, यानी कि जिनका घर, जिन फैमिलीज का जो घर है वो शॉप जो बस स्टॉप्स होते हैं उनके आसपास होते हैं, तो वो अपना ज़्यादातर स्पेस है वो किस में यूज करते हैं, शॉप्स वगैरह में। एंड Use a part of the space to open small shop. They sell eatables, यानी कि खाने पीने की चीज़ों की वो शॉप करते हैं। करीम हैज़ ओपन ए कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज, करीम जिसने अपना एक कंप्यूटर क्लास सेंटर ओपन किया विलेज में। इन रिसेंट ईयर्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन, यानी कि ज़्यादातर शाहपुर टाउन के अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे जो थे वो स्कूल जाते थे या कॉलेज वगैरह जाते थे, तो वो बच्चे क्या करीम के पास में कंप्यूटर सीखने भी आते थे। करीम फाउंड दैट ए नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लास, कि जो स्टूडेंट्स हैं विलेजेस से वो भी कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करते थे। देयर वर टू वोमन इन द विलेज हु हैड ए डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उस गांव के अंदर दो ऐसी भी लेडी थी जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री थी। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम, करीम ने उनको भी रख लिया। एंड
ही बॉट कंप्यूटर्स एंड सेट अप द क्लासेस इन फ्रंट ऑफ द रूम ऑफ देयर हाउस. उसने अपने घर में ही क्या किया, कंप्यूटर की क्लासेस जो है वो ओपन कर दी. हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स. हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने भी ज्वाइन किया किसको, कंप्यूटर क्लासेस को. तो इस तरीके से विलेजेस के अंदर स्मॉल बेसिस पर शॉप्स वगैरह जो हैं वो ओपन की जाती हैं. फिर लास्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है ट्रांसपोर्ट, ए फास्ट डेवलपिंग सेंटर. लास्ट जो है वो है ट्रांसपोर्ट. देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज. पालमपुर से रायगंज में अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज किया जाता है ताकि दोनों ही जो विलेजेस हैं उनको कनेक्ट करके रखा जाए. रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. तो ये सर्विसेज अवेलेबल हैं वहाँ पर जिससे दोनों ही विलेजेस को कनेक्ट करके रखा जा सकता है. दे फेरी पीपल एंड गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट. द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स. यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी जुड़े हुए. लास्ट जो ये स्टोरी दी गई है इसको आप खुद रीड करोगे, जो नहीं समझ में आए वो पूछ लेना. इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, जिसको आपको खुद करना है. ठीक है, कल तक के जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो क्वेश्चंस आपको आज मुझे उसकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड करोगे 4 बजे तक. 4 बजे तक का टाइम है आपके पास में, उसकी फ़ोटो आपको मुझे सेंड करनी है. ठीक है, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ होंगे तो वो आपको इन्हीं दिनों में भेज दिए जाएंगे, ताकि मंडे को जब हम आएँ तब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर के साथ. सेकेंड चैप्टर जो है वो इकोनॉमिक्स का हम पढ़ेंगे. ठीक है, अब तक आपको कुछ पूछा है इस चैप्टर से रिलेटेड, आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं. कुछ पूछना है क्या किसी को?